चुनाव के पहले चार चरणों में चारों खाने चित्त होने के बाद अब कांग्रेस एक नया ड्रामा, नया पैंतरा चला रहा है। कल कांग्रेस के नामदारों ने अपना रिमोट कंट्रोल ऑन किया और उसके कुछ ही देर बाद कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने एक बयान दिया कि हमारे समय भी कई बार सर्जिकल स्ट्राइक की गई। ये बयान सामने आते ही कांग्रेस की तमाम नेता बल्लियां उछलने लगे। बस यही तो चाहिए था, इसी की घड़ी का तो इंतजार था कांग्रेस को। अब कांग्रेस किसी भी तरह ये साबित करने पर तुली है कि हमने भी सर्जिकल स्ट्राइक की थी। साथियों, कल कांग्रेसी 6 तारीखें भी निकाल लाए और कहा कि ये वो तारीखें हैं जब उनकी सरकार में सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी। सोचिए, कांग्रेस अब दावा कर रही है कि उसने तो 6-6 बार सर्जिकल स्ट्राइक की थी। भाई, ये कैसी स्ट्राइक थी जिसके बारे में ना आतंकियों को पता चला, ना आतंकियों पर हमला करने वालों को पता चला, न ही पाकिस्तान को पता चला और न ही हिंदुस्तान में किसी को पता चला। आपको किसी को पता चला था भाई? जब रिमोट कंट्रोल वाली सरकार थी तब किसी अखबार में स्ट्राइक शब्द आपने पढ़ा था, स्ट्राइक शब्द सुना था? लेकिन अब शुरू में जब सर्जिकल स्ट्राइक हुआ तो इन्होंने ऐसा कुछ होता ही नहीं है, ये तो सेना रोज करती है, नकार दिया। लेकिन जनता को मोदी पे भरोसा था, जनता मेरे साथ खड़ी हो गई। पहले मजाक उड़ाया, जब देखा कि जनता मोदी के साथ खड़ी है तो विरोध करना शुरू किया। जैसा उन्होंने विरोध बढ़ाया तो जनता ने और प्रेम बढ़ा दिया, मोदी मोदी करने लग गए तो उनको और परेशानी हुई। तो अब उन्होंने तीसरा रास्ता अपनाया कि ऐसा करो भाई, हम भी बोल दें कि हमने भी किया था, ताकि जो प्रेम मोदी की तरफ बढ़ा है 2-5% हमारी तरफ भी आ जाए। इसलिए पहले उपेक्षा, बाद में विरोध, और अब हमने भी किया था, मी टू। अरे तेरी मी टू? अरे एयर कंडीशन एसी कमरे में बैठकर कागज पर स्ट्राइक करने का काम ये कांग्रेस कर सकती है। मैं पढ़ रहा था कि अभी 4 महीने पहले एक और नेता ने दावा किया था कि कांग्रेस ने 3 बार सर्जिकल स्ट्राइक की है। मुझे लगता है ऐसे लोग हैं जो उम्र के किसी भी पड़ाव में वीडियो गेम खेलते रहते हैं और शायद सर्जिकल स्ट्राइक भी कोई वीडियो गेम समझ करके आनंद लेते होंगे। खैर साथियों, चुनाव के 4 चरण बीतते 4 महीने में ही ये कांग्रेस की सर्जिकल स्ट्राइक की संख्या जो 4 महीने पहले 3 थी, कल उनके एक बड़े नेता ने 6 कर दी। और शायद चुनाव पूरा होते होते उनके गली मोहल्ले वाले कह देंगे, अरे हम तो हर दिन स्ट्राइक करते थे।
झूठ बोलना क्या जाता है यार, अपने जेब से थोड़ा जाता है। और आदत से मजबूर, आप देखिएगा 23 मई को जब नतीजे आएंगे तो उसके बाद कांग्रेस कहेगी हमने 600 बार सर्जिकल स्ट्राइक की थी। जब कागज पर ही करनी हो, जब वीडियो गेम में ही स्ट्राइक करनी हो, अरे तो 3 हो या 6 हो 20 हो या 25 हो, ये झूठे लोगों को क्या फर्क पड़ता है जी।